अगर लेडीज एजुकेटेड होते हैं तो उनको ये सोशल अवेयरनेस आता है, उनको पता है कि हमको क्या करना चाहिए, अपने राइट्स के लिए क्या करना चाहिए। और जनरली देखा है लेडीज आपस में एक दूसरे से कंप्लेन करके, लाइक लेडीज लेडीज को पर ज्यादा अत्याचार करते हैं, वो ज्यादा होता है। और किसी सही पर्सन के पास जाके गाइडेंस लेना चाहिए। यदि आपस में गॉसिप करके ये अत्याचार की बात करें तो ये अत्याचार बढ़ता है। सही जगह जाकर सही जगह अप्रोच करके उन लोगों को गाइडेंस लेना चाहिए जो अत्याचार हो रहा है, क्योंकि उसके लिए लॉज तो है, उनके राइट्स हैं, बट उनको मालूम नहीं होता है। तो सही जगह अप्रोच करने का ये जरूरत है। हेल्थ के बारे में क्या कहेंगे? हेल्थ इज वेल्थ। तो सबसे ज्यादा अपने हेल्थ पर ही ध्यान देना चाहिए। अगेन हमको एज अ एजुकेशनिस्ट इंट्रोड्यूस किया गया, तो जो एजुकेटेड होता है उसी को सारे अपने हेल्थ के इश्यूज पता होते हैं। तो लाइक उन लेडीज को अपने हेल्थ के इश्यूज पता होते हैं, तो अपने बच्चों को सही ढंग से खान पान क्या देना चाहिए, अपना न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए, खुद का हेल्थ कैसे मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि इफ अ लेडी इज हेल्दी तभी फैमिली हेल्दी रहता है। तो अपने हेल्थ पर, खुद पर सारे प्रॉब्लम्स जो हैं, अगर वो खुद को उनको पता हो, राइट स्टेप्स ले, राइट टाइम पे राइट डॉक्टर्स के पास जाके और सही ढंग से अपना घर संभाले। मेनली खान पान ये है, क्योंकि एडल्ट्रेशन बहुत हो गया है और एंड बच्चे हैं दे फास्ट फूड पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। एजुकेशन के साथ ही लेडीज को पता होता है कि न्यूट्रिशन क्या सही है, बैलेंस डाइट क्या होता है, क्या डाइट देना चाहिए, कब देना चाहिए, एंड देन ओनली हेल्थ इज मेंटेन्ड, बिकॉज एनर्जी हमको खाने से ही मिलता है, हेल्थ मेंटेन्ड होता है सही खाने से। तो उसके बारे में जानकारी हमको एजुकेशन ही देता है, एंड दैट इज हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ। खाना बहुत जरूरी है। एट द सेम टाइम महिलाओं में एजुकेशन का अवेयरनेस बहुत जरूरी है। वन सेकंड, महिलाओं में एजुकेशन का अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज हमने कुछ चीजें और भी सीखी, जैसे कि फाइनेंशियल लिटरेसी, महिलाओं में फाइनेंशियल लिटरेसी होना आना बहुत जरूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हर एक चीज का बॉटम लाइन, अगर आज आपकी हेल्थ मेंटेन है तो सब कुछ मेंटेन है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैंने आज यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर और एक एजुकेशनिस्ट है, इन लोगों को यहाँ पर बुलाया और उनसे मैंने एक जो है अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की है। आप लोगों के माध्यम से भी मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि मैं महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती हूँ। मैं चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जो हैं वो एजुकेट हों, फाइनेंशियल लिटरेसी की इम्पोर्टेंस को समझें, हेल्थ की इम्पोर्टेंस को समझें। और विमेन ऑन विंग्स का एक उद्देश्य ये रहा है हमेशा से कि महिलाएं जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जरूर हो जाएं, सक्षम हो जाएं, सशक्त हो जाएं, ताकि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकें अपने आप को। और इसमें मैंने एक बात और ऐड करना चाहूंगी कि हमें ये साबित नहीं करना है कि हम लोग यहाँ पे फेमिनिज्म के नाम पे ये साबित नहीं करना चाहते कि वी आर बेटर देन मैन। नो, हम लोग कॉम्पिट नहीं कर रहे हैं। वी ऑलरेडी नो वुमेन कैन हैंडल लॉट्स ऑफ थिंग्स, इमोशन से लेकर के होम मेकिंग से लेके करियर तक हर चीज हैंडल कर सकती है। तो वी आर नॉट कॉम्पिटिंग, वी आर सेलिब्रेटिंग। सो दिस इज बेसिकली अ सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे। दिस इज व्हाट माय मैसेज इज।